कितना एक्साइटिंग है, दिस इज मेरा पहला टीवी शो, कितना अमेजिंग सेट है, ओ माय गॉड, वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। और ऑडियंस, ये मेरा पहला टीवी शो है, तो कहां सुना माफ, अपना दिल रखना साफ। टीवी पे पहली बार आई हो, दुनिया में तो नहीं, कैमरास वहां है, वहां देख के बात करो। इसको क्या फायदा सिखाने का, रेडियो वाली है, इसका क्या पता यहाँ भी यही शुरू कर दे। आप देख रहे हैं कलर्स 97.5। यार रेडियो वाली, डेली सोप वाला, कमेडियन, स्ट्रगलर, बाल वाला, बिना बाल वाला, मिमिक्री वाला, बिना मिमिक्री वाला, मेहनत वाला, किस्मत वाला, एंकरिंग वाला, इतना कुछ है हमारे शो में, तो एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है ना। एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है बॉस, क्योंकि ये है एंटरटेनमेंट की रात। जो पहले देखा है वो भूल जाओगे, जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगे। जब सारे कंटेस्टेंट जाकर वहां पर बैठ गए, तो तुम उठा के यहां पे क्यों खड़े हो? वो कंटेस्टेंट है, मैं सेलिब्रिटी हूं, सुपरस्टार। ए कलर्स, कैसे कैसे लोगों को शो पर ले लिया है आपने? रवि, तुम्हें पता है कलर्स वालों के पास इतने ऑप्शन है ना आर्टिस्टों के, कि कोई मेन कॉमेडियन मना कर देना, उनको चढ़ाने के लिए इसको रख लेते हैं काम पे। तुम्हारी तरह बकवास करने वाला एक और भी रखा था, कहां है वो रघु? रघु को पता नहीं, आखिरी बार बाल डाई करते हुए देखा था मैंने। रघु, मेरा नाम लेने की हिम्मत किसने की? तेरी औकात क्या है? अरे कान के नीचे इतनी जोर से दबाऊंगा ना, तेरे पुश्तों के दांत झड़ जाएंगे, समझा? तो एक टकले, ये फैमिली शो है, तेरा रोटीज नहीं है ये। बलराज भाई, सॉरी यार, पुरानी आदत है, पुराने शो से आदत छूटी नहीं अभी तक, अब बदलनी पड़ेगी इस फैमिली शो में, क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ बकवास खत्म हो गई हो तो मैं मेरे गेस्ट को बुलाऊं। तेरे गेस्ट के? तेरी बुआ की शादी में आने वाले शो के गेस्ट हैं वो। बुलाइए बुलाइए। तो बनेगा इस मंच पर एंटरटेनमेंट का अलग ही सीन, जब आएगा किंग स्पिन और साथ आएगी एक लड़की हसीन। सो प्लीज वेलकम हरभजन सिंह एंड द वन एंड ओनली ज़री। अजय, आपके साउंड को क्या हो गया? मैं तो यार तुझे कह रहा था, कैसा है भाई? कि बहुत बार देखा है, तू यही कर रहा होता। पाजी, वहां से भी मेरा, मेरे को निकाल के आपने मेरा काम ले लिया, यहाँ भी मेरी टांग खींचने आ गया आप? नहीं, 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 नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फैमिली शो है। हाँ। और यहाँ मैं अपनी इमेज चेंज करने आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली ना, वहाँ दान पेटी दिख रही है, उसमें मैंने जुर्माना भरना है, और इतना भरना है कि रात को कम से कम गरीबों में बांट सके हम। ओ मेरा राजा बेटा। आपको बता दूं कि मैं और पति पर एक ही शहर से, जलंधर से, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। जिस ग्राउंड में ये खेलते थे, मैं भी उसी में खेलता था। तो अगर मेरे को किसी ने यहाँ पे गरीब, बदतमीज, अनपढ़ बोला ना, तो पाजी को अगर बुरा लग गया तो फिर देख लेना। ओए गरीब, ओए तू कहना क्या चाहता है, मैं भी अनपढ़ हूँ। टैलेंट भी कोई चीज होती है। पाजी कहाँ पहुंच गया? तू एक मिनट, पाजी कहाँ पहुंच गया? और पाजी के साथ खेलता कौन था? तेंदुलकर सर, कुंबले, विराट कोहली, मेरे को दे दिया एक टकला। एक ये दे दी रेडियो वाली, वो रेडियो वाली कम रेडियो वाली ज्यादा लगती है। एक वो देखो हमको दे दिया रवि दुबे, देखो इसको, उसके पास खुद काम नहीं, डेली सो बंद हुए पड़े बेचारे के। भाई खड़े होना जरा, एक बार खड़े होना, खड़े होना एक बार, बस ये देखो, इतना अमीर आदमी है सर, ये 24 घंटे 5 स्टार में रहता है। अच्छा, आप देखो ड्रेस भी वेटर की पहन के आ गया गलती से। बलराज, अगर मैं वेटर भी बना ना, तो वेटरों की दुनिया का हाईएस्ट पेड वेटर हूंगा। तू अपनी सोच, सस्ते एक्टर। अच्छा एक ये बड़ा नुकसान है, आदमी की शक्ल अच्छी हो ना, बिना पंच के ताली बजा देते लोग। पाजी, जरीन, मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू करने का वक्त हो गया, तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ, या इनको ना नए हैं तो अकल नहीं है कि किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है, जाओ। अच्छा, हमें अकल नहीं किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है, ये देख लो रेडियो वाली पहली बार टीवी पे आई। रवि, तुमने तो शो होस्ट किए है ना, पाजी टीवी पे शो होस्ट करना हो ना, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कपड़े पहनो, शक्ल ठीक हो, इसको रेडियो पे कोई टेंशन नहीं, नाक में उंगली मार के बोल देती गुड मॉर्निंग मुंबई। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी स्टार होती, रेडियो में पता है कैसे इंटरव्यू शुरू करती है, हाँ जी तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं। ओ बहाने चाहिए टांग पकड़ने के,
जोरदार ताली होने हरमन भाई के लिए। वैसे अर्ज किया है, कितना हसी है मौसम, कितना प्यारा है साथ। वेलकम दोस्तों टू एंटरटेनमेंट की पाजी। वैसे साथ से याद आया, जब जरीन के साथ आए हो, गीता बसरा आपका हस्बैंड ना कहीं और ही है, बसरा। हेलो गीता भाभी, इधर सुनसान इलाके में घूम रहे हैं जरीन खान के साथ। गीता फ्रेंड है मेरी। अच्छा बता क्या है? ओके ओके, क्या उनके घर में आग लगा रहा है बेवकूफ। मैंने तो तेरे घर में भी कोशिश की थी आग लगाने की। मैंने इसके घर में फोन किया, मैंने कहा आपका रघु मलेशिया के साथ घूम रहा है, कहते किसी लड़की के साथ घूमेगा फिर फोन करना। जस्ट कैन यू स्टॉप द बदतमीजी। मुझे मुंबई में प्यार से रेडियो पर मुंबई की रानी कहते हैं। रानी की ऐसी तौहीन? ये मुंबई की रानी नहीं, कैरम की रानी है, वो भी बिना पाउडर के नहीं चलती, ये भी नहीं चलती। हर जगह भाभी को बता के जाना पड़ता है शादी के बाद। मतलब देखो मैं यहाँ तो बता के ही आया हूँ और तकरीबन बताना ही पड़ता है। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम की सीडी मिल गई आपको? अच्छा नहीं मिल रही, तो कलर्स पर देख रहे हो आ रही है, हीरो चेंज है बस। वैसे अक्कल है नहीं, इतनी हॉट लड़की बैठी हुई है तुम्हारे सामने, अभी बाप से फोन पे बात कर रहा है। एक काम कर, बाप को बता दे जरीन यहाँ बैठी हुई है, वो फोन से निकल के आ जाएंगे, पर कर लियो बात। एक मिनट बाप पे ना जाकर, मेरे मेरा बाप है तो मैं फोन करता हूँ, तेरे जैसे अंडे का तो बाप भी नहीं होता, मुर्गा होता है। ज्यादा बोला मैंने, तेरे अंडे पे थप्पड़ मार के आमलेट बना देना। अभी ये दो भाई हैं, आपको पता है ना रघु और राजीव? मालूम है, बहुत देखा मैंने ये, बहुत चैनल ने दोनों को कास्ट किया था। राजीव को हमने मुहूर्त पे तोड़ लिया प्रसाद के टाइम। तो पाजी आपके शादी को अभी 2 साल हुए हैं जी, तो गीता भाभी का तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ता होगा, मगर फिर क्रिकेट आपका पहला लव है। फर्ज कीजिए ऐसा कभी हो जाए, इंडिया की मैच हो सेम डे पर और आपकी एनिवर्सरी सेम डे पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए मैं कुछ 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में, अब जो प्यार है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगले 18 साल जो है वो इनके साथ रहना है, अभी क्रिकेट के साथ तो शायद 1 या 2 साल रहना है, तो मैं शायद अपनी बीवी के साथ जाऊँगा। क्या बात, ताली दो मुझे, पास ऑन कर दो। हेलो पापा, और जोरू का गुलाम पार्ट 2 भी आने वाली। सुनो मैं वैसे पूछने नहीं वाला था, लेकिन मैं दान पेटी में डाल रहा हूँ पैसे 2000। जुर्माना इसने भर दिया, बोलने पता नहीं क्या वाला है। आज मैं सबके सामने खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि भाभी जी को कहते हैं कि सब बता के आते हैं, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया मेरे। अरे क्या बक रहे हो तुम रघु? मैं बक नहीं रहा, बिना सबूत के बात नहीं करता रघु। अच्छा दिखाओ इनके बेशर्मी का सबूत, दिखाओ वो तस्वीर। पता नहीं क्या दिखाने लगा है। और साथ में ये भी बता देना कि इसके बाद इस टाइटैनिक पिक्चर में पेंटिंग वाली सीन में ब्रश किसने पकड़ी थी और नेकलेस पहन के। पूरा मैदान जो था वो समंदर की तरह बन गया था, तो हमने कहा चलो यार ये एक टाइटैनिक टाइप जो है वो फोटो खिंचाते हैं, बट उसके बाद ना किसी ने पेंटिंग की और ना किसी ने ब्रश पकड़ा। शुक्र है, शुक्र है, क्योंकि अगर ये होते ना पेंटिंग भी होती अगर, तो इस फिल्म में टाइटैनिक पहले सीन में डूब जानी थी। इससे तो बच गए आप, दिखाओ दूसरी। बहुत प्यारा पाजी, मैंने देखा मैं जब आपने 6 मारा था वो लॉन्ग ऑन पे खड़े थे। हाँ वो रघु से कुछ सीख के आया था, तभी उसने मुझे बहुत बहुत कुछ बोला था मुझे, मैंने कहा चलो जवाब अच्छा किया आपने बता दिया आपके दोस्त हैं। मेरे को लगा इसको बोल रहे हैं कि भाई सुसुमत कर दियो, हमने भी नहाना है दोबारा। वैसे रहा फोटो में है ना जरीन, देखकर या तो बहुत इंप्रेस है या तो मुंह बना रही है। जरीन लेट मी टेल यू कि आपकी भी फोटो है हमारे पास। ऐसा कोई फोटो नहीं है, दिखा दो, दिखा दो। जरीन की फोटो लगाई जाए प्लीज जरा। अबे जरीन की लगाओ यार, रिहर्सल पे आते नहीं हो। जरीन सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है हमारी। कम ऑन, बी प्रोफेशनल यार। Am I supposed to feel bad about this? I am very proud about this. I will never feel bad about this. Yeah, abo. Yeah, abo. From there to here, my friend. एक मिनट. इन दोनों में से आप कौन है? दोनों आपको नहीं लग रहा था? रुको रुको, मैं बताती हूँ, वो 9th स्टैंडर्ड में है और वो थोड़ा वेट कम करने के बाद 12th स्टैंडर्ड में।
वो जो व्हाइट वाला है ना, मैंने प्रीति जिंटा बनने की कोशिश की थी वहां पे, बुमरो बुमरो शाम रंग। और वो पिंक वाली, वो बस खिंचवाई थी थोड़ी सी, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा वेट कम हुआ है शायद, तो इसलिए खिंचवाई थी उसको। वो पासपोर्ट फोटो खिंचवाई थी, बड़ी हो गई वो अब। ये एक वक्त था जब तुम्हारी ऐसी बॉडी थी, तब मैंने सुना है कि तुम लेकिन लड़कों को खूब पीट दिया करती थी। तो मैं अभी भी पीट दूं। तुम्हें एक बार वजन फिर से बढ़ाना भी पड़ा, 8 किलो फॉर वीर। द फिल्म वाज ऑपोजिट सलमान खान, मुझे 25 किलो भी वेट पुट ऑन करना पड़ता। मुझे समझ में आता कि वेट कम करना लोगों के लिए मुश्किल क्यों है। सबसे बढ़िया डाइट है गरीबी, इसकी तरह बलराज का डाइट है, ना खाने के पैसे होंगे ना वेट बढ़ेगा। गरीब आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वेट कम करना या बढ़ाना हो। ये अमीर लोग डाइटिशियन रख लिए, ये डेट खा लो बेबी, ये दिन ड्राई फ्रूट्स आलमंड्स ऑल वीगन बर्गर्स खा लो। मारी गरीबों की औरतें पाजी, वेट बढ़ाने के लिए खाना ज्यादा खाएं तो गैस हो जाती है, कम करने के लिए कम खाएं तो गैस हो जाती है। एक सेकंड रुक जा गरीब, आपने इतना डाइट किया फिर रोल को कभी गैस हुई क्या? लकीली अभी तक तो नहीं। पकड़ा गया, झूठ बोलता रहता कुछ भी। इतनी सुंदर लड़कियों को गैस नहीं होती, वो दीपिका को होती है। अरे इनको थोड़ी, इनको डिओडोरेंट होते हैं, रोज फ्लेवर, पेटल्स फ्लेवर, अमीर हो गए। देखो ये लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, ये आप उसको ये इंसान की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम है, कोई लेना देना मेरे साथ हो लो। बट लड़कियों को जरा तमीज होती है, वो सुमड़ी में काम कर जाती है। यो जो लड़के हैं उनको धमाकों में जरा मजा आता है। और हमारे पंजाब में तो खास है, किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइड उड़ जाती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम टीम में किसको सबसे ज्यादा है? युवराज सिंह जो सबसे बड़े पद्दड़ है, मतलब सॉरी हर यू वी, बट दैट्स अ फैक्ट कि मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो लंबा सा एक म्यूजिक साउंड ऐसे ऐसे कि ऐसे लगता है भैंस बोल रही है। अरे यार शो की बातें करो, अब हमको उसको लेके बैठे हैं यार। बाजी आपके पैशन और इंटेंसिटी की तो मिसाल देते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गीता भाभी टीवी पे मैच देख रही हैं और आप पिट गए बॉलिंग में और वापस आके घर पे क्या बहाना मारते हो फिर? नहीं, हमारी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको इतना क्रिकेट का पता नहीं है। तो आपको कहां देख लिया उन्होंने आईफा में परफॉर्म करते हुए? लेकिन ताज्जुब है कि गीता भाभी को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें कहानी पता है। एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि आईपीएल जब शुरू हुई थी, पहला ही साल था, मैंने ऐसे ही चांस लिया, पूछ लेता हूँ कि टिकट चाहिए, वुड यू लाइक टू कम फॉर द गेम? वो कहती लेट मी थिंक। तो 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि या आई वुड नीड कपल ऑफ टिकट्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात बन गई। तो ड्राइवर आया टिकट लेने, मैंने कहा ठीक है ये ले जाओ। मैं पूरा दिन मैच जब चलता रहा मैं देखता रहा स्टैंड में, मैंने कहा यार नज़र तो नहीं आ रही कहीं। बाद में जब पता चला तो वो ड्राइवर मैच देखने आया हुआ था, वो ड्राइवर और जो पासिस थे वो इतने अच्छे थे, और ड्राइवर की तो चांदी हो गई, वो उसकी मोहल लग गई, बट उसमें मेरा कांड हो गया। बट एनी हाउ फिर वो पास एक फिर भी जरिया जरूर बना, क्योंकि उसको लगता था अब इसने मुझे फेवर की है तो इसको एक बार मिल लेती हूँ चाय या कॉफी पे। बट एक बार फिर जब कोई शेर के मुंह में खून लग गया तो फिर बच के कोई नहीं गया, कॉफी पे मिले थे। फिर उसके बाद मुलाकातें जो है वो बढ़ती गई, और आज ऑफ कोर्स 2 साल हो गए हैं शादी हुए, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। क्रिकेट का पास आप दोनों को पास पास ले आया बिल्कुल। तो एक बताओ, ज्यादातर क्रिकेटर्स ने कसम खाई होती है कि शादी करूंगा तो फिल्मी लड़की से करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। डेफिनेटली ये दोनों ऐसी फील्ड हैं अट्रैक्ट जरूर करती हैं, चाहे वो यूवी की बात करूं या मैं अभी जहीर की शादी हो रही है सागरिका के साथ, तो विराट का मुझे अभी पता नहीं है कि आगे शादी कब कर रहा है, और मैं जरीन कोशिश करूंगा कि हमारे जो सिंगल लड़के हैं अभी युजविंदर चाल वगैरह से मैं बात करके देखता हूँ। नहीं थैंक यू भाजी, उससे बड़ा मुर्गा बिरयानी में डाल के खा जाती हैं ये। भाजी मैं आपसे अब आपके टोटकों के बारे में पूछना चाहती हूँ, सुपरस्टिशंस जो होते हैं
सही शब्द आजमाया मैंने। बिल्कुल टोटके होते हैं, हर प्लेयर के होते हैं और हर सीरीज आती है। नहीं, मैं तो ये करता हूँ कि नई सॉक्स पहनता हूँ, मेरे अंडरगार्मेंट सारे मैं नए पहनता हूँ, देखता हूँ कि पहली इनिंग में बॉलिंग कैसी हुई, अगर तो विकेट मिल गए तो फिर पूरी सीरीज वही चलते हैं। ऐसे ही एक वो सीरीज 2001 की, उसमें मैंने नई सॉक्स और अंडरवेयर जो था वो नया पहना था और वो तो मैंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए मुंबई में, अगले मैच में मैंने कहा यही पहनते हैं, अगली इनिंग में 6 विकेट लिए, सेकंड इनिंग में 7 लिए, मैंने कहा यार ये सॉक्स और अंडरवेयर का कमाल है, मैच बॉलिंग तो खैर जो हो रही है वही हो रही है, तो अगले मैच में मैंने फिर पहने, फिर मैंने लिए 8 और 7 विकेट, 15 विकेट, मतलब 3 मैच में 32 विकेट ले लिए। तो सीरीज खत्म होने के बाद देखा मैंने, जब पहले स्पाइक्स निकाला तो यहाँ से छेद था बहुत बड़ा, और बाकी की मैं बात नहीं बताऊंगा और कहाँ कहाँ छेद थे। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, सनत जयसूर्य उसका एक अजीब ही तरीके का टोटका है, वो इधर उधर ही पता नहीं क्या क्या करता रहता था, बैट इधर उधर मारता था, रोशन महानामा थे वो बैट को फूंक मारता रहता था, और सचिन लेफ्ट पैड ही पहले पहनते हैं, वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग करने से पहले शावर उनको लेना ही लेना है और एक एप्पल खाना ही खाना है। तो ऐसे हर प्लेयर के छोटे छोटे टोटके हैं। हमारे भी यहाँ कलर चैनल वाले बड़े टोटके करते रहते हैं, इन्होंने भी जोशी को बुलाया था, पहले मलिश्का और रघु को एक साथ बिठाने वाले थे पाजी, फिर कहते यार एक साथ मत बिठा, ऐसा लग रहा है तांत्रिक ने खोपड़ी पकड़ी हुई है। पाजी और जरीन आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, मगर ये लोग जो चेहरा तक रहे हैं कहते हुए कि शादी में है तुम्हारे, तो इनको भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। मलिश्का का इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है, प्लीज हम आपको गेस्ट एरिया की तरफ ले जा रहे हैं आज एंटरटेनमेंट की रात के इस मंच पर आने का। आज हमारा पहला शो है, वी रियली वांट टू नो कि ये सेटअप देखो, इन थोबड़ों को देखो। सबसे पहले आके जो नोटिस की चीज वो है ये सेट, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, वेरी वेरी टेस्टफुली डन, एंड मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी शो पर आई हूँ, आई कैन सी फ्यू ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स हियर एंड घर का माहौल है, एंड इट्स अ कलर्स शो। मैं ना बचपन से फॉलो किया आपको, अच्छा मतलब इतना सा था तब से, क्या बात है। और एक बात फैक्ट है कि वेजिटेबल की दुनिया में आलू की सब्जी का और क्रिकेट की दुनिया में द ग्रेट भज्जी का कोई तोड़ नहीं। जरीन एक फैक्ट बताता हूँ आपको जी, खाली लंगड़ा और दशहरी नहीं, आम चौसा भी होता है, और अगर लड़की हो तो जरीन जैसी क्यूट होनी चाहिए, हॉट तो सारा समोसा भी होता है। थैंक यू, समोसा मेरा बहुत तालियां बजा रही है खुल के एकदम मौनी रॉय मेरी दोस्त। मैं तुझ पे शेर नहीं मारूंगा, मैं तुझ पे पंच मारूंगा, ऐसे पंच मारूंगा कि पंच मार मार के इस एंटरटेनमेंट की रात को नाग पंचमी की रात बना दूंगा। ध्यान से देखिए इसको, ये लड़की जब से नागिन बनी है तब से इसके घर में जो दूध भी है वो भी किसी नॉर्मल डेयरी का नहीं, नागौरी डेयरी का आता है। अभी कल की बात है, शूट के बाद डायरेक्टर ने पूछा मौनी इसके बाद कहाँ जाओगी, कहती है पिटारे में। नॉट फनी, अगला वाला अच्छा लगेगा। खुद ही बोल गया, अच्छा जी। कलर्स वालों ने इस एपिसोड के लिए पूछा मौनी यार यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, कितना पैसा लोगी, कहती है मैं 8-9 लाख नहीं लूंगी, मैं 10 लूंगी। अब हम बात करेंगे अरे टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा, द सुपरस्टार, गेम चेंजर ऑफ इंडियन टेलीविजन, मौनी रॉय के बारे में नहीं, वो बिना डेली सोप वाली दीपिका बैठी हुई ना उसके बारे में। गरीब एक्ट्रेस। भजी भजी इसके बारे में एक डिटेल है जी, ये कलर्स टीवी पे ना बहुत बड़ा शो कर रही थी, शो का नाम था ससुराल सिमर का, वो अलग बात है कि पिछले समर में ससुराल सिमर का इस सिमर के लिए समाप्त हो गया, मगर तब से लेकर अब तक रोज दिन में 12 घंटा ही अपनी बालकनी में इससे खड़ी रहती है। एक दिन आते जाते मैंने पूछ लिया इससे कि यार दीपिका क्या चक्कर है यार, तुम बालकनी में क्या खड़ी रहती हो, ऐसा क्या है बालकनी में, कहती है रवि किसी को बताना मत, एक्चुअली शो के बाद ना मैं नहीं चाहती कोई मुझे ये बोले कि दीपिका कक्कड़ अपने घर पे बैठी है। कलर्स टीवी के सभी दर्शकों को एक वैधानिक चेतावनी, अगर आपके सर में जुए हो या बालों में डैंड्रफ हो तो तुरंत शैंपू कीजिए, वरना हालत मेरे प्यारे दोस्त रघु जैसी हो जाएगी।
धारावी का कटप्पा। हेलो ऋत्विक, यार तूने तो कहा था यहाँ पे इन लोगों ने किसी सुपरस्टार को बुलाया, अभी ये तो रवि दुबे है। हाँ हाँ पता है तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यार इसके साथ काम करके अपने पास गाड़ी थोड़ी ना आएगी। एक काम कर, वो जो EMI पे गाड़ी ऑर्डर की थी ना वो कैंसिल कर दे। हाँ हेलो। हाँ सरगुन आया ना पार्टनर, अब वो 125 रुपए में ऑर्केस्ट्रा एंकर करता है ना ऋत्विक धनजानी, उसकी गर्लफ्रेंड है ना, अरे वही जो पार्टी में तुम्हारी चप्पल पर्स में लेके भागी थी भाई। वो चप्पल मैंने नहीं चुराई थी, ऋत्विक ने मेरे पर्स में रखी थी। अच्छा। मैंने तो सिर्फ बाथरूम से डियो चुराया था। अगर चुराई लिया था तो लगा भी लेती। ये छोड़ो, ये बताओ आशा कि पहली बार टीवी पे आके कैसा लग रहा है? हेलो, मैं पहली बार नहीं टीवी पे बहुत बार आ चुकी हूँ। मैं टैलेंटेड बंदे के साथ आने की बात कर रहा था, फुल पावर। और सुन, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ यार, अपने को लिया इतना पैसा लेके अच्छी बात है, मगर ये नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों लिया यार? दिव्यांश ना कितना क्यूट है ना। मैं दिव्यांश की बात नहीं कर रहा, मैं उसके बगल में बैठे हुए आदित्य की बात कर रहा हूँ। आदि यू सच अ क्यूटी। पता है जब तुम्हारी शॉपिंग फिल्म आई थी ना तो मैंने 10 दिन तक लगातार थिएटर में देखी थी। अबे सोच समझ के झूठ बोला कर समझी, 10 दिन तक पिक्चर देखी थी, 10 शो में तो पिक्चर उतर गई थी। दस दिन चलती तो आदि यहाँ नहीं यहाँ बैठा होता, वो पिक्चर छापित नहीं थी, ये एक्टर छापित है। बज्जी बाजी, एक बार ही वेस्ट इंडीज को हराने के लिए बज्जी बाजी ने 6 पैक बनाए थे, फिर क्या वेस्ट इंडीज मैच जीत गए, वो 6 पैक पी गए। हेलो ऋत्विक, हाँ वो जो AC का ऑर्डर दिया था ना कैंसिल कर दे, गर्मी 2 महीने से ATM में सो रहे हैं ना, 2 महीने और सो जाएंगे। नहीं नहीं इससे एंटरटेन नहीं होने वाला, रहने दे। ए तो पागल है क्या? अरे मैं खानदानी एंटरटेनर हूँ, मेरे चाचा मौसा काका जीजा सब एंटरटेनर है, मेरे नाना के तो 10 बेटे थे, 10। 10 बेटे? 10 बेटे, इतना जोर लगाएगी तो 2 और हो जाएंगे। हेलो ऋत्विक, यार एक काम कर, वो जो बेड ऑर्डर किया था ना वो भी कैंसिल कर दे। अरे तब से 50 लाइन बोल चुका है यार, एक भी नहीं फूटी। हाँ सरगुन, हाँ नहीं हो गया यार, इसका देख लिया टैलेंट, 1 लाइन नहीं बोल पाती, फंबल मार रही है, क्यूट क्यूट बोल के मेरे दिमाग की। हाँ भाई। नहीं हो नहीं पाएगा यार, मुझसे नहीं होगा, मैं चलता हूँ यार, थैंक यू वेरी मच। मुझे सुपरस्टार साहब को एंटरटेन करें, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। अच्छा, आपके बगल में जो महानायिका बैठी है ना, यानी कि मौनी रॉय, तो इनको सारा देश जानता है, कमाल की एक्टर हैं, कमाल की परफॉर्मर है, कमाल की डांसर हैं, ये सब जानते हैं, इच्छाधारी नागिन है ये भी सब जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि ये कमाल की सिंगर भी है। क्या बात है, किसी चीज का शुभारंभ होता है, श्री गणेश होता है, तो नाच गाने के बिना नहीं हो सकता, और मौनी रॉय से अच्छी परफॉर्मर कहाँ मिलेगी यार। हाँ मैं तो आ जाऊंगा, आप पहले स्टेज पे आ जाइए, एवरीबॉडी वांट्स टू सी यू मौनी रॉय इन द हाउस। मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल भी बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, और आदित्य आप आंखें बंद करके रहेंगे ठीक है? कान तो खुले। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बड़ा पंचतारी आज के दिन, आंखें बंद कर लो। आपको क्या लगता है मैं रोबोट हूँ? आपने स्विच ऑन किया गाओ, स्विच ऑन किया डांस करो, अच्छा ये डांस फॉर्म करो, आशा हंसो मत, यहाँ आ जाओ आप पहले तो, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले रवि दुबे आप ही। सच बता दो, मोनी के अलावा और कौन ठीक नाचा? मोनी के अलावा यार ये मेरा भाई बहुत तगड़ा नाचा यार, कमाल का गजब, और ये हमारी क्यूटी पाई, ये हमारी तरह बस स्पेक्टेटर ही थी बेचारी, वहाँ खड़ी हुई देखी रही थी, तो बट एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे रहे थे। थैंक यू। तो बाकी डांसिंग मोनी तो कमाल है डांसर, उसमें कोई शक ही नहीं है। सबको एंटरटेन, क्योंकि ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डरते हैं, बड़े बड़े सैलाब हमारे पांव पड़ते हैं। आहा, बात, क्या बात
क्या बात है? अगर हम बच्चे नहीं होते तो आप लोग इतने गंदे गंदे मुंह बना के किसे कहते? ले 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 मेरे कुकू, पर मुझे तो ना पेरेंट्स का समझ नहीं आता। पहले हमें कहते हैं कि बेटा कभी गंदी बात मत करना और कभी गंदी बात सुनना भी मत। बाद में जब मेहमान आते हैं तो यही कहते रहते हैं, चलो बेटा अंकल को गंदी बात पे डांस करके दिखाओ, चलो चलो। और जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हस्बैंड घर छोड़ने की धमकी देता है, तो हम वही बच्चे हैं जिनको आप सब आगे करके कहते हो, आपको आपके बच्चे की कसम आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। लोगों का इतना ख्याल रखते हैं तो आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखेंगे। ऐसे भज्जी पाजी, आप शादी के बाद हमसे पहली बार मिले हो तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका तो कोई नहीं, भाभी जी के साथ तो आप पहली बार आए हो तो शगुन तो बनता है। ये लीजिए भाभी जी। भाभी भेजी नहीं हूँ मैं, आप है? अरे नहीं, मना मत कीजिएगा। अबे दिव्यांश, ये भजीब अंकल की वाइफ नहीं जरीन खान है। अच्छा, ये जरीन खान है? पापा ना इनकी पिक्चर नहीं देखने देते। मुझे भी नहीं देखने देते यार। पापा कहते हैं कि एक तो जिंदगी में दो नंबर का काम नहीं करना और तीन नंबर वाली फिल्म नहीं देखनी, और इनकी फिल्म के पीछे तो तीन नंबर लिखा हुआ था, हिट स्टोरी 3। यार अगर ये तीन नंबर का चक्कर सही में है तो हमें धूम 3 भी ना देखने देते। मुझे लगता है इनकी फिल्म में धूम 3 से ज्यादा फाइट वाइट होगी। अरे छोड़ो ना, उधर देख मोनी रोए। अबे मोनी क्यों रो, तू रो। मोनी तो हमेशा हंसती खिलती रहे। ओ हेलो मोनी रोए नहीं, मोनी रोए। मोनी आप हो बड़ी सोनी, आपके आने से अच्छी हुई है शो की बोनी, दुनिया चाहे हम दोनों के बारे में जो भी कहे, अपने को परवाह कोनी। ओ हेलो, यहाँ पे सिर्फ मोनी दीदी नहीं बैठी है, और भी लोग आए हैं शो में। जरीन जी माफ कीजिएगा, अगर एक शो में दो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी चापलूसी ज्यादा करे। तुझे पता है जरीन जी ने हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन और पंजाबी की भी फिल्म की है। यार क्या कमाल की होती है साउथ इंडियन फिल्में, हीरो बिना डरे विलन के घर जाता है, जहाँ विलन खाना खा रहा होता है, हीरो पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं, विलन खाना खा रहा होता है। हीरो दोबारा पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं, हीरो गुस्से में टेबल पे यूं लात मारता है और सब सामान हवा में, विलन स्लो मोशन में उठता है, यहाँ से दाल लेता है, यहाँ से पनीर लेता है और मायने मारा कुट्टू को। तो मेहरबान साहिबान कदरदान मोनी रॉय और जरीन खान और भज्जी अंकल, वो आपका नाम राइमिंग में नहीं आया इसलिए अलग से ले लिया। आप तीनों के लिए हम लाए हैं कुछ घरेलू देसी इलाज जो आपकी रोज की जिंदगी में काम आएंगे। तो भज्जी अंकल, आपके अभी अभी शादी हुई है और आप अभी अभी डैडी भी बने हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एकदम मक्खन की तरह चले और आपके अभी बीवी के संबंध एकदम मधुर भंडार कर रहे हैं। तो आपके लिए हम लाए हैं मेरी पिक्चर देखना ये सॉरी माला। सारा दिन अपनी बीवी के सामने इससे जाप करते रहो, चाहे गलती हो या ना हो, सॉरी माला। और हाँ, बोलना सिर्फ सॉरी है, कहीं सॉरी माला बोलते रहो बात और बढ़ जाएगी। अभी माला कौन है? ये छोटा बाबा है, बाबा के लोग का आजकल हाल देखा क्या हो रहा है। जल्दी रख दे माला अंदर, जल्दी। लेकिन उसके साथ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रीम भी है। इनके वाइफ के लिए? नहीं, इनके लिए। इसे ना आप अपने हाथों पे लगाना, जिससे कपड़े और बर्तन धुलते समय हाथों पे रैशेज नहीं पड़ेंगे। छोटे जरूर हो बट बातें बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हो। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। आई थिंक इस तरह के टैलेंट, जानते हैं कि भज्जी पाजी कितने फैंटास्टिक बॉलर है, और एक स्पिनर के लिए उसका दिमाग और उसकी उंगलियां यानी उसके हाथ सिंक में होने बड़े जरूरी है। सिंक में मतलब कोऑर्डिनेशन, मुझे लगा वो जिसमें धोते हैं बर्तन। नहीं, वो तो शादी के बाद आई है ना ऑटोमेटिकली। नहीं, अब तो वही याद आता है ना। आप
हाथ और दिमाग अगर कोऑर्डिनेशन में ना रहे तो क्या होगा भाजी? तो ऐसी एक गेम खेले आपके साथ। बिल्कुल खेले। थैंक यू आप लोगों ने ताली बजाई। थैंक यू यार, ये फिलू फिलू मारने में ना बहुत थकान हो जाती है यार। अभी मार के दिखाइए, अभी दिखाओ जम। अभी दिखाइए। अच्छा आप लोग को पता चल गया। अरे नहीं सर, वो स्टार्डम वो क्या होता है ना, बड़े बड़े सुपरस्टार अपना डुप्लीकेट को रखते ना स्टंट करने के लिए। मैंने डांसर को रखा है। कलराज तुम तो कॉमेडियन को रख लो। रघु मेरे भाई, ये आपके लिए, इसको लगा लो मुंह पे, हो सकता है कोई पहली बार ऑटोग्राफ मांग ले। अरे बाप रे बाप, भाजी जी। सर मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे, मैं ना पंजाब में था आपकी शादी के टाइम पे, लेकिन आपकी शादी में पहुंच नहीं पाया, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपने बुलाया नहीं था। मेरी शादी में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैंने बुलाया नहीं था, पर वो आए थे। लेकिन सर कुछ भी बोलो, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, ऑस्ट्रेलिया से जब मैच चल रहा था सर, आपने हैट्रिक बनाई थी सर, मैं उस दिन मैदान में ही था, जैसी इंडिया मैच जीती है मैदान में लोटा फेंका मैंने और सीधा घर आके लोगों को खुशखबरी दी सर। मुबीन, अरे मुझे रख के भूल गए क्या, मैं भी हूँ तुम्हारी पार्टनर। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है, सोलो चलने दो, हंसी आ रही है, आएगी फिर वो। हाँ। अरे नरीन जी, मालूम है आपका ये गाना हमको इतना पसंद है, जेब में पेचकस लेके घूमता हूँ मैं, जहाँ किसी का कैरेक्टर ढीला मिलता है खचा खचा कस देता हूँ। लेकिन नरीन जी एक सवाल पूछना था आपसे, मैंने सुना आपको नॉनवेज बहुत पसंद है। बिल्कुल। एक भेज दिया है, पढ़ लेना मोबाइल पे। वेरी बैड दैट वाज, वेरी बैड। मुबीन, अरे प्लीज बुला लो यार, मैंने भी घर पे बोला है कि मैं बड़े समय बाद कलर्स पे दिखने वाली हूँ, प्लीज बुला लो। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है, रुको अभी। जब ये लोग ऐसे थक जाएंगे, आराम करना होगा, तब तुमको बुला लेंगे, रुको। अरे क्या बात है, टकले भैया भी आए हैं। इस बंदे का इस शो में होना बहुत जरूरी था भाई, इतने सारे स्टार्स है, इतने सारे सितारे, एक चांद तो बनता है। रघु मेरे भाई, बुरा लगा? नहीं, मजा है। लगता भी तो मेरे टकले से। नहीं लेकिन कलराज मेरे भाई, आई लव यू, ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं होगा ना। भाई शक्ल ऐसी है कोई बोलेगा भी नहीं, ये तो आई लव यू सुनने के लिए तरस गया सर, कि कोई इसको आई लव यू बोल दे। वो जो पहाड़ होती है ना, यहाँ पे आवाज गूंजती है, जाकर बोला आई लव यू, आवाज आती है आई लव यू, वहां जाके बोला बलराज आई लव यू, आवाज आई चल मैं निकल इधर से। मलिष्का जी भी आई है, अरे आपसे तो मैं वहीं आके मिलूंगा इतने। अरे मलिष्का जी कैसी हैं आप, हाथ मिलाइए। तथास्तु। थैंक यू। पता है मलिष्का जी, ओहो पता है मैं वहां पे आके आपसे क्यों मिला, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं स्टेज भी शेयर नहीं करता। नहीं लेकिन मजाक सट के आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप ना डेली सोप ट्राई करो, अच्छी दिखने लगोगी, डेली सोप ट्राई करो। नहीं, हालांकि सुंदरता में कोई कमी नहीं है मोनी और जरीन खान की, लेकिन बात आपकी हो रही है ना। अरे आदित्य नारायण, अरे इधर तो देखो। नहीं सलूट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ए, मतलब कॉमेडी शो में भी आए किस लिए, सिंगिंग के लिए, बताओ यार। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, अब मेरे साथ टीवी पे दिखोगे, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, अब तो वक्त बदलने वाला है। अरे वक्त बदलने वाला। आई एम दीपिका, दीपिका कक्कर। ओ गरीन जी, इनको बताइए कि दूसरों के नाम रख लेने से कोई स्टार नहीं बन जाता। व्हाट डू यू मीन दूसरों का नाम? अरे दीपिका पादुकोण का दीपिका ले लिया, नेहा कक्कर का कक्कर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आवाज अच्छी ना शक्ल। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट क्लास शो के सेकंड क्लास कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करने वाले थर्ड क्लास आदमी, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट की रात में परफॉर्म करने आई हूँ। ओह अच्छा, ओहो दीपिका जी, आइए उधर घूमिए और दफा हो जाइए। तमीज से बात करो, मैं अपने सीरियल में लीड थी। अच्छा लीड थी? हाँ। किसकी, गधे की लीड थी, घोड़े की लीड थी? लीड नहीं, हाँ। लीड थी,
ससुराल सिमर का में मेन रोल था मेरा। अच्छा ससुराल सिमर का जिसमें आप मक्खी बनती थी। अरे वो तो मैंने जैसी बलराज को शो में देखा ना मुझे पता था आप आएंगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी आएगी। प्लीज चुप, प्लीज मुझे मक्खी मत बुलाओ ना, मैं टैलेंटेड भी हूँ। अच्छा ऐसा तो रवि तुम्हें भी बोलता है। उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहना रवि। ये सचमुच बहुत फेमस है, पता है बहुत फेमस है। अब भी अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आया है। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है मालूम है, ये ऑडिशन भी इंडिया में नहीं देता है। अच्छा हाँ, ये एंटरटेनमेंट की रात का ऑडिशन स्पेन में दिया था खतरों के खिलाड़ी में, वो भी मिमिक्री कर करके। और क्या आवाजें निकालता, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सबकी सेम टू सेम एक जैसी। और तो और नाना पाटेकर, ओहो नाना पाटेकर क्या नाना पाटेकर अच्छी निकालता है। नहीं जिस दिन नाना पाटेकर सुने ले यहाँ से यहाँ तक सुझा देगा मार मारवा, अच्छा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है गलत करता है ऐसा सुझा देंगे वो। अच्छा तुम उसे छोड़, जो अजीब सी दिखने वाली भयानक सी लड़की बैठी है वो मलिष्का ही है ना। मलिष्का हाँ? ए क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं वो रेडियो वाली ना फ्रिक्वेंसी सेट कर रहा हूँ। अरे कहाँ तुमने इनका नाम ले लिया यार, मूड खराब कर दिया। हा? चलो एक काम करो ना, मूड सही करने के लिए एक हक दे दो। ए छोड़ो ए छोड़ो छोड़ो देखो मैं कमिटेड हूँ, मेरे साथ ये टचिंग वचिंग नहीं चलेगा, काम से काम रखो। अच्छा धोखा हो गया मेरे साथ, एक सेकंड। हेलो चैनल, आपने क्या बोला था मूवी हमारे शो में आ जाओ, कॉमेडी कॉमेडी तुम संभाल लेना, दीपिका को पार्टनर दे रहे हैं, टाइम पास वो करवा देगी, ये तो मना कर रही है। एक मिनट, हेलो चैनल ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था बस स्टेज पे खड़े होके हाँ क्यों क्या ये सब करके लाखों मिलेंगे, इससे अच्छे तो मैं अपने सीरियल में थी मक्खी बन के हूँ करके, इससे ज्यादा फेमस थी, लाखों तो ऐसे ही बन जाते थे। यार ये किसको पार्टनर दे, जब संभालना पड़ेगा लाखों लाखों। वैसे लाखों से याद आया, जरीन जी ना बहुत बड़े दिलवाली हैं, एक बार मेरे को 20,000 की जरूरत थी, 2,00,000 का चेक फाड़ के दे दिया। अरे वाह इतनी दिलदार है। अरे काहे की दिलदार, चेक फाड़ के दिया था, फटेला चेक कौन से बैंक में चलता है। जरीन जी देखिए ना कैसा बेवकूफ पार्टनर मिला है, कुछ बोलिए ना इसको। नहीं नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगे, आज उनका गला खराब है। अच्छा हाँ जब उनका गला खराब होता है ना तो सोचती है मैं बिग बॉस की आवाज बन जाऊं। चल कुछ भी अच्छी, तुम्हें यकीन नहीं होता नहीं। अब वीडियो देख लो, मैं शूट करके लाया, वीडियो देखो। इनके ये सेगमेंट का तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि वो जो जब किसी और की डबिंग करते हैं, आज तो मेरी ही कर ली, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। वो बेस्ट डायलॉग वो था आपके टूथपेस्ट में नमक है। प्रैक्टिस ही करता रह जाएगा, मैच में खेल के चला जाऊंगा। वैसे ये मुझे बैटिंग पिच नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इजाजत है? ले आम है, बच्चों को पहले मौका दिया जाता है। कैन वी हैव द बीट, बीट। भंगड़ा करके बॉलिंग करते ऑफ स्पिन की शान है, पाजी आप पंजाब की नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान है। भज्जी ने आके हमारी महफिल को सजाया है, क्रिकेट बॉल और लड़कियों को जमकर घुमाया है। तू सचमुच सिंगर है या करता गोलमाल है, ये तेरी आवाज है ये कंप्यूटर का कमाल है। आदित्य का बचपन में ही निकल गया है जूस, जा बेटा बैठ किसी कोने में और अपना अंगूठा चूस। क्रिकेट के मैदान को बॉलीवुड बनाते हैं, कभी एक्शन करते कभी नाच के दिखाते हैं। टैलेंट टैलेंट। होटल जाने से पहले सब इनको ये समझाते हैं, शैम्पू साबुन चुराते नहीं खरीद कर लगाते हैं। बैठ के मोबाइल पे काम ये सर्च करता है, पापा कमाते हैं और ये खर्च करता है। नया नया खून है सबको कहे बड़ी, बेड पे सुसु करे और एयरपोर्ट पे उतारे चट्टी। Oh my God! Give it up for Moni Roy! Yes, please, I need some!
बागिन के हर एपिसोड में सच सच के आती है, टैलेंट के नाम पे सबको जीप दिखा के जाती है। गाने इनको गाने थे और करना था हिप हॉप, क्या करे बेचारा, मिली फ्लॉप पे फ्लॉप। ओके नागिन के हिट होने से इतना हवा में उड़ जाएगी, किसी दिन कोई नेवला मिल गया ना तो जीभ लपलपाती रह जाएगी। देखना एक दिन दुकान खोलेगा और कपड़ों को टांगेगा, इतने बड़े बाप का बेटा है, चंदा थोड़ी ना मांगेगा। हम रोज एक ही राह पर एक साथ गुजरते हैं, झगड़ा खत्म करो यार, माइक ड्रॉप करते हैं। Yeah!